दुनिया की बिसात। नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें कौन सी हैं बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। डबल ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर आज लौटे स्वदेश। दिल्ली हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत के लिए प्रशंसकों का लगा जमावड़ा। पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचते हुए दो मेडल जीते। पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल से एक कदम दूर रेसलर विनेश फोगाट, आज होगा फाइनल मुकाबला। मीराबाई चानू भी पेश करेंगी पदक के लिए चुनौती। अविनाश साबले भी 3000 मीटर स्टेपल चेस में खेलेंगे फाइनल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आज वित्त विधेयक पर हुई चर्चा का देंगी जवाब। वहीं राज्यसभा में विनियोग विधेयक को प्रेरित कराने पर चर्चा प्रस्ताव। फिजी दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री शिव सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना। आज फिजी से न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगी राष्ट्रपति। न्यूजीलैंड में गवर्नर और प्रधानमंत्री से करेंगी मुलाकात। वेलिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को भी करेंगी संबोधित। शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। ईडी ने निचली अदालत के फैसले को दी चुनौती। बांग्लादेश की कमान अब मोहम्मद यूनिस के हाथ। खालिदा जिया समेत कई विपक्षी नेता रिहा। वहीं भारत अपने राजनयिकों के जरिए लगातार भारतीय नागरिकों के संपर्क में। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं पेरिस ओलंपिक से जुड़ी खबर की। पेरिस ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाली और दो पदक जीतने वाली निशानेबाज मनु भाकर आज स्वदेश लौटी। भारत लौटने पर मनु भाकर का दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। जैसे ही मनु एयरपोर्ट से बाहर निकली तो प्रशंसकों ने उनका स्वागत फूलमाला से किया। इस दौरान उनके साथ उनके कोच जसपाल राणा भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि भारतीय महिला निशानेबाज मनु भाकर आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले साल 1900 में नॉर्मन चट ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए दो पदक जीते थे, लेकिन वो मूलतः ब्रिटिश थे। मनु से पहले अगर बात की जाए तो किसी और भारतीय खिलाड़ी ने एक ही ओलंपिक में दो पदक नहीं जीते थे। वहीं मनु दो ओलंपिक पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय हैं। मनु से पहले पीवी सिंधु और सुशील कुमार ने दो ओलंपिक पदक जीते थे। तो स्वदेश लौटने पर जोरदार स्वागत हुआ मनु का। वहीं आज पेरिस ओलंपिक की हम बात करें तो भारत के लिए आज का दिन काफ़ी अहम माना जा रहा है। आज के मुकाबलों पर अगर खासतौर से बात की जाए तो भारतीय एथलीट प्रियंका और सूरज पवार मैराथन रेस वॉक मिक्स्ड रिले के फाइनल में ट्रैक पर नजर आएंगे। इसके साथ साथ गोल्फ में अदिति अशोक और दीक्षा डाकर महिलाओं की इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले के पहले राउंड का मैच खेलेंगी। जबकि अगर बात करें श्रीजा अखुला, मनिका बत्रा और अर्चना कामत की भारतीय तिगड़ी टेबल टेनिस के महिला टीम के क्वार्टर फाइनल मैच में उतरेगी। अहम मुकाबले आज अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में। और वहीं अगर हम बात करें भारतीय एथलीट सर्वेश अनिल कुशारे जो कि हाई जंप में अपने अभियान की आज शुरुआत करेंगे। भारतीय खिलाड़ी लगातार अपना वहां पर प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए और भारतीय महिला एथलीट ज्योति याराजी महिलाओं की 100 मीटर हर्डल रेस के पहले राउंड में स्पर्धा करती हुई नजर आएंगी।
ज्योतिया जी के अलावा अगर बात की जाए जेवलिन थ्रो की तो भारत की अनुरानी क्वालिफिकेशन राउंड में आज हिस्सा लेंगी। इसके अलावा जेवलिन थ्रो के बाद कुश्ती की अगर हम बात करें तो भारत की अंतिम बंगाल महिलाओं की 53 किलोग्राम वर्ग के अंतिम 16 में रिंग में उतरेंगी। अगर वे जीतती हैं तो आज ही क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मैच खेलेंगी। जबकि अगर बात की जाए पुरुषों के ट्रिपल जंप क्वालिफिकेशन राउंड की तो इसमें अब्दुल्ला अबूबकर और प्रवीण चित्रावेल अपनी अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही देर रात भारतीय महिला भारोत्तोलक मीराबाई चानू महिलाओं के 49 किलोग्राम भार वर्ग में उतरेंगी। मीराबाई चानू से पदक की उम्मीद की जा रही है। और वहीं भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट आज स्वर्ण पदक के लिए रिंग में उतरेंगी। विनेश का फाइनल में अमेरिकी पहलवान सारा एन से मुकाबला होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए अविनाश साबले जो कि 3000 मीटर स्टिपल चेज के फाइनल के मैदान पर उतरेंगे, आज इनसे भी पदक की उम्मीद की जा रही है। और खासतौर से विनेश फोगाट जो कि आज फाइनल मुकाबला खेलने के लिए उतरेंगी, उन्होंने अगर कल का के मुकाबले की बात की जाए तो उन्होंने इतिहास रचा। ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला पहलवान बन चुकी हैं। उन्होंने महिलाओं की 50 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में क्यूबा की यूस्ट्रेलिस लोपेस को 5-0 से हरा दिया। पहले राउंड तक विनेश 1-0 से आगे थी, फिर आखिरी 3 मिनट में उन्होंने क्यूबा की पहलवान पर डबल लेग अटैक किया और 4 पॉइंट अर्जित किए। इस बढ़त को वह अंत तक बनाए उन्होंने रखा और फाइनल में जगह बनाई। विनेश का इस ओलंपिक में सफर शानदार रहा है। अपने पहले मैच यानी प्री क्वार्टर फाइनल में विनेश ने 4 बार की विश्व चैंपियन और टोक्यो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट सुसाकी को 3-2 से हराया था। यूं ही सुसाकी को हराने वाली विनेश पहली अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है। इसके बाद विनेश ने ओक्साना को क्वार्टर फाइनल में 7-5 से हराया। अब सेमीफाइनल में 5-0 से उन्होंने जीत हासिल कर फाइनल में जगह बनाई। विनेश की नज़र अब स्वर्ण पदक पर रहेगी और खासतौर से आज वो स्वर्ण पदक के लिए मैदान में उतरेंगी। विनेश का फाइनल में अमरीकी पहलवान सारा एन से मुकाबला होगा। गौरतलब है कि विनेश से पहले केवल 2 पुरुष पहलवान ही ओलंपिक में फाइनल तक पहुंच पाए हैं। 2012 लंदन ओलंपिक में सुशील कुमार और 2020 टोक्यो ओलंपिक में रवि दहिया फाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन आखिरी मुकाबला दोनों हार गए थे। पहलवान विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक में 50 किलो भार वर्ग के फाइनल में पहुंचने पर देशभर में जश्न का माहौल है। उनकी जीत के बाद चरखी दादरी में उनके परिजनों ने भी अपने गांव में जश्न मनाया। विनेश के परिजनों ने विश्वास जताया कि विनेश अब गोल्ड मेडल जीतकर ही भारत लौटेंगी। 100% विश्वास है हमारी बेटी के ऊपर कि वो अब गोल्ड मेडल लेके आएगी और इस देश का नाम रोशन करेगी और साथ के साथ हरियाणा प्रदेश का और जिले का अपने गांव का इलाके का वो निश्चित रूप से नाम रोशन करने पड़ेगी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी, खासकर लड़कियों के लिए एक नया संदेश जाएगा। और बात करते हैं गोल्डन बॉय। जी हां, भारत के स्टार जेवलिन थ्रो और नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। नीरज ग्रुप बी के क्वालिफिकेशन में सबसे पहले उन्होंने शुरुआत करने आए और उन्होंने अपने इस सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पहले ही प्रयास में 89.34 मीटर का थ्रो किया, जो 84 मीटर के क्वालिफिकेशन से काफ़ी अधिक था। नीरज ने अपने स्वर्ण पदक के बचाव की बेहतरीन शुरुआत की और उनसे फाइनल में भी इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। वहीं एक और भारतीय एथलीट किशोर जेना ने क्वालिफिकेशन में 80.73 का स्कोर किया और वो फाइनल में जगह बनाने से चूक गए। अब सभी भारतीयों की नज़र 8 अगस्त को होने वाले फाइनल पर लगी हैं, जब नीरज चोपड़ा एक बार फिर से भारत की ओर से स्वर्ण पदक की दावेदारी पेश करते हुए नजर आएंगे। आइए बात करते हैं भारतीय हॉकी टीम की भी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम फाइनल तक का सफर तय नहीं कर पाई। टीम को सेमीफाइनल में जर्मनी के खिलाफ 3-2 से हार का सामना करना पड़ा। जर्मनी ने सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हराकर पेरिस ओलंपिक के फाइनल में जगह बना ली है।
जर्मनी का फाइनल में सामना नीदरलैंड से होगा, जिसने एक अन्य सेमीफाइनल में स्पेन को हराया था। भारतीय टीम भले ही स्वर्ण पदक मुकाबले के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी, लेकिन हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली टीम के पास कांस्य पदक जीतने का मौका रहेगा। भारत का 8 अगस्त को कांस्य के लिए सामना स्पेन से होगा। भारत ने इस मैच में पहले क्वार्टर में गोल कर बढ़त बनाई थी, लेकिन दूसरे क्वार्टर में जर्मनी ने 2 गोल दागे और भारत पर बढ़त बना ली थी। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में भारत ने फिर बराबरी का गोल दागा, लेकिन मैच समाप्त होने से 6 मिनट पहले जर्मनी ने तीसरा गोल दाग दिया, जिसने अंत में अंतर पैदा किया। इस तरह भारत का स्वर्ण पदक जीतने का 44 वर्षों का इंतजार और बढ़ गया। भारत हॉकी के सेमीफाइनल में जर्मनी से 3-2 के मुकाबले हार गया, लेकिन अब भी भारतीय हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल की दौड़ में बनी हुई है, जहां उसका मुकाबला स्पेन से होगा। भारत की हार के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया रही हॉकी फैंस की, उनसे पेरिस में बात की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। हॉकी में भारत को भले ही सेमीफाइनल में जर्मनी के साथ हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन मुकाबले में कोई कमी नहीं थी और अभी भी भारत के पास उम्मीदें हैं ब्रॉन्ज मेडल के लिए। स्पेन के साथ जाएंगे, फैंस यहां पर हैं, जोरदार तालियों के साथ ये टीम का उत्साह बढ़ाएंगे और इसमें कभी भी कोई कमी नहीं है कि किस तरह से खेलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मैम, कैसा रहा ये मुकाबला? बहुत ही उमदा मुकाबला रहा। इतना ज़्यादा गर्व है मुझे हमारी इंडियन नेशनल हॉकी टीम पे। ऐसी हॉकी मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी और ये टीम हमें गोल्ड जिताएगी, ये मैं आपको कह सकती हूँ दावे के साथ। आप बताइए। बहुत ही बढ़िया खेले, बहुत ही स्पिरिटेड फाइट करी। अगर पहले 3-4 जो पेनल्टी कॉर्नर मिले थे, अगर वो कन्वर्ट हो जाते तो सिचुएशन कोई और होती। और अभी टीम ने बहुत ही बढ़िया खेला है और छोटी मोटी गलतियाँ हैं, उनको इम्प्रूव करना चाहिए। मैं यही कहूंगा कि इंडिया की टीम अब एक नए लेवल पे आ चुकी है और इस लेवल पे आपको देखने को मिल रहा है, जिस तरह से वो आज प्रदर्शन भी दे रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि इन ब्रॉन्ज मेडल तो जीतेगी जीतेगी, लेकिन आगे जाके गोल्ड भी जीतेगी। तो बांग्लादेश की अब आइए बात कर लेते हैं, क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा और तनाव के दौर से बांग्लादेश गुजर रहा है। हालात तो ये हो गए हैं कि तख्तापलट के कारण देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ गया। राष्ट्रपति ने संसद को भी भंग कर दिया है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त कर दिया है। राष्ट्रपति के मीडिया सचिव मोहम्मद जोयनल आबिदीन ने कल देर रात इस बात की जानकारी भी दी कि तमाम राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श के बाद अंतरिम सरकार के अन्य सदस्यों के नाम पर अंतिम फैसला किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले छात्र आंदोलन ने पहले कहा था कि 84 वर्षीय यूनुस अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए सहमत हो गए हैं। मोहम्मद यूनुस ने ग्रामीण बैंक के माध्यम से गरीबी विरोधी अभियान के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। बांग्लादेश में सोमवार को सेना ने मोर्चा संभाला, उस दौरान रात भर में देश के कई हिस्सों में हिंसा की घटनाएँ सामने आईं। जुलाई के मध्य से जारी अशांति के कारण बांग्लादेश में मृतकों की संख्या बढ़कर 440 तक पहुँच गई है। इस बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को नज़रबंदी से रिहा कर दिया गया है। साथ ही भारत अपने राजनयिकों के जरिए भारतीय नागरिकों के साथ लगातार संपर्क में बना हुआ है। आपको बता दें, बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच ढाका से एयर इंडिया का एक विमान दिल्ली पहुंचा है। बांग्लादेश से भारत आए यात्रियों का कहना है कि स्थिति ना तो बहुत अच्छी है और ना ही बहुत बुरी। 18 जुलाई को बांग्लादेश में युद्ध क्षेत्र जैसा माहौल था और उसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया और सेना तैनात कर दी गई थी। Situation is not so good, not so bad. The interim government has taken the control of the country. And we do not know what comes next, but we hope for a better outcome. 18th July, I saw it was like a war zone in Bangladesh, near my office in Uttara. And after that, there was a curfew and there were army and people getting killed in front of my eyes. Massacres happened over there. Bahut se student mara gaya, 1000 ke upar. वो ये अनऑफिशियली काउंटिंग है और ऑफिशियली वो बता रहे हैं कि 200 प्लस, बट अनऑफिशियली दैट वाज 1000 प्लस।
और आइए अब बात करते हैं संसद के बजट सत्र को लेकर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आज वित्त विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देंगी। सरकार वित्त विधेयक में संशोधन प्रस्ताव रखने जा रही है। सूत्रों के अनुसार प्रस्ताव में घर खरीदारों को राहत देते हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर अब दो विकल्प मिलेंगे। पुरानी व्यवस्था के तहत इंडेक्सेशन के फायदे के साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर 20% कर चुकाने का भी विकल्प होगा। इसके साथ ही बजट प्रस्ताव के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर बिना इंडेक्सेशन के फायदे के साथ ही 12.5% कर चुकाने का विकल्प भी घर खरीदारों के पास होगा। ये दोनों विकल्प 23 जुलाई 2024 से पहले के घर खरीदारों पर लागू होंगे। गौरतलब है कि बजट में रियल एस्टेट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर नए प्रस्तावों पर चिंता जाहिर की गई थी। इसके बाद सरकार ने संशोधन प्रस्ताव पेश करने का फैसला किया है। वहीं राज्यसभा में आज विनियोग विधेयक और जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक पर चर्चा होगी और इसे वापस लोकसभा भेजा जाएगा। लोकसभा में सोमवार को विनियोग विधेयक पारित किया जा चुका है। इसके साथ ही राज्यसभा में विभिन्न विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। और आइए बात करते हैं राष्ट्रपति के दौरे को लेकर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिजी में श्री शिव सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना आज की। श्री शिव सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर नाड़ी नदी के पास स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में यह अपनी तरह का सबसे बड़ा मंदिर है। ये मंदिर भगवान मुर्गन को समर्पित है। मंदिर में पारंपरिक द्रविड़ वास्तुकला का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। इसके बाद राष्ट्रपति तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगी। इस दौरान वे गवर्नर जनरल सिंडिकीरो के साथ विपक्षीय बैठक करेंगी और प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति वेलिंगटन में एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को भी संबोधित करेंगी और ऑकलैंड में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगी। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 अगस्त को तिमोर लेस्ते जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल के निमंत्रण पर 7 से 9 अगस्त तक न्यूजीलैंड की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रहेंगी। पिछले एक दशक में भारत के राष्ट्रपति का ये दूसरा न्यूजीलैंड दौरा है। राष्ट्रपति के दौरे से पहले हमारे संवाददाता दिव्येंदु मंडल ने न्यूजीलैंड में भारतीय उच्चायुक्त नीता भूषण से बात कर यह जानने की कोशिश की कि इस यात्रा से क्या अपेक्षाएँ हैं और यह दौरा किस तरीके से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है उनका। इंडिया के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू न्यूजीलैंड के 3 दिन के दौरे पे आने वाले हैं और इसी के रिगार्डिंग बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू न्यूजीलैंड मिस नीता भूषण। ये जो 3 दिन का दौरा है राष्ट्रपति ऑफ इंडिया का न्यूजीलैंड में, क्या क्या प्लान किया हुआ है उनके लिए? बहुत अरसे के बाद, 8 वर्षों के बाद हमारे राष्ट्रपति जी का इस न्यूजीलैंड में आगमन हो रहा है, तो मैं ये कहूंगी कि बहुत ऐतिहासिक विजिट है। मीटिंग तो है ही जो गवर्नर जनरल के साथ होगी, उसके अलावा जो प्रधानमंत्री हैं न्यूजीलैंड के क्रिस्टोफर लक्सन और उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स जी उनके ऊपर कॉल ऑन करेंगे और इसके अलावा वो एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस है जिसको एड्रेस करेंगी और भारतीय समुदाय के साथ भी उनकी मुलाकात होगी और ये कुछ कार्यक्रम ऑकलैंड में भी है। जी मैम, इंडिया और न्यूजीलैंड काफी अच्छे संबंध रखते हैं और हमारी ट्रेड में, इकोनॉमी में काफी कोऑपरेशन भी है दोनों कंट्रीज के बीच में। ये एक राष्ट्रपति का दौरा, जैसे आपने भी बताया, काफी सालों बाद हो रही है और आई थिंक सेकंड राष्ट्रपति के विजिट है, तो इससे कितना और फर्दर स्ट्रेंथन होगा इंडिया और न्यूजीलैंड के रिलेशनशिप? लास्ट 2-3 सालों से मैंने ये नोटिस हम कर रहे हैं कि हमारे जो एक्सचेंजेस है काफी हाई लेवल पे हो रहे हैं। पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जी के साथ पोर्ट मोरेस्बी में मुलाकात की थी और 2 साल पहले माननीय विदेश मंत्री जी भी यहाँ पे आए थे और इनके न्यूजीलैंड के साइड से भी काफी उत्साह है और उनके विदेश मंत्री इस साल भी गए थे जो अभी उप प्रधानमंत्री भी हैं। तो ये जो एक हाईएस्ट लेवल पे एक्सचेंजेस होते हैं
इनका एक बहुत ही अलग महत्व होता है। ये एक दिखाता है कि दोनों कंट्रीज कितने कमिटेड हैं टू इंक्रीज कोऑपरेशन एट ऑल लेवल्स। तो मुझे मेरे ख्याल से ये बिल्कुल बहुत बड़ा माइलस्टोन है हमारे रिलेशंस में। मैम, इंडियन डायस्पोरा, यहाँ पे काफी बड़ा इंडियन डायस्पोरा है न्यूजीलैंड में, कितना उत्साहित है, कितना एक्साइटेड है उन लोग राष्ट्रपति जी से मुलाकात करने के लिए, उनकी विजिट को लेके, इसके बारे में अगर कुछ बता सकते हैं। जो हमारा भारतीय समुदाय है वो बहुत ही उत्साहित है और वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो उनमें खुशी की लहर दौड़ रही है। और हम भी यही आशा करेंगे कि राष्ट्रपति जी का ये जो न्यूजीलैंड दौरा है ये ऐतिहासिक होने वाला है और वो बहुत सारी यादगार पलें यहाँ से लेके जाएंगे दिल्ली अपने साथ। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर स्पीकिंग टू दूरदर्शन न्यूज। दिस इज गुड मॉर्निंग वेलिंगटन न्यूजीलैंड से, कैमरा पर्सन राजेश रिकी के साथ दूरदर्शन न्यूज के लिए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की शराब नीति केस में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज फिर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। दरअसल 20 जून को रात 8 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ये कहते हुए जमानत दी थी कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं है, जिसके खिलाफ ईडी ने 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने कहा कि लोअर कोर्ट का फैसला सही नहीं है और उन्हें दलीलें रखने का पूरा समय नहीं मिला। अब केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर आज हाईकोर्ट में फिर सुनवाई होनी है। दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी 21 मार्च को ईडी ने की थी। ईडी ने मामले में पूछताछ के लिए उनको 9 बार समन भेजे थे, लेकिन उन्होंने एक भी समन का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट आज प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी, तलाशी, जब्ती, जमानत से जुड़े धन शोधन निवारण अधिनियम के कई प्रावधानों को चुनौती देने के मामले में दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में विजय मदनलाल चौधरी मामले में 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा की मांग की गई है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी, तलाशी, जब्ती, जमानत और अन्य संबंधित प्रक्रियाओं से जुड़े PMLA कानून के कई प्रावधानों को बरकरार रखा था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश पर स्वतः संज्ञान लिया है जिसमें हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ इस पर आज सुनवाई करेगी। असल में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस राजवीर सहरावत ने 17 जुलाई को दिए अपने आदेश में एक केस में हाईकोर्ट की ओर से शुरू की गई अवमानना की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी। जस्टिस सहरावत ने अपने आदेश में कहा था कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई अधीनस्थ कोर्ट नहीं है। हाईकोर्ट द्वारा शुरू की गई अवमानना की कार्रवाई में दखल देते वक्त सुप्रीम कोर्ट की एहतियात बरतनी चाहिए। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिगंबर मंदिर में स्वर्गीय महंत परमहंस दास जी की मूर्ति का अनावरण किया। इससे पहले उन्होंने ब्रह्मलीन परमहंस रामचंद्र दास जी की महाराज जी की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ और ब्रह्मलीन परमहंस रामचंद्र दास की राम मंदिर आंदोलन को परिणाम तक लाने में मुख्य भूमिका रही है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां बसंतगढ़ के खानी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के बाद से ही तलाशी अभियान जारी है। कल शाम सुरक्षा बलों का सामना आतंकियों के साथ हुआ। इस बीच दोनों ओर से गोलीबारी भी हुई। सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकियों को घेर लिया था, जिसके बाद से ही सुरक्षा कर्मी उनकी तलाश में जुटे हैं। जवानों ने घने जंगलों में चारों ओर पहरा लगाया हुआ है। जवान पूरी तरह सुरक्षा कवच को कवर करते हुए नजर आ रहे हैं। तलाशी अभियान के दौरान जंगल में जाहिर तौर पर बारिश और घनी धुंध सुरक्षा बलों के लिए अभियान चलाने में कहीं ना कहीं बाधा पैदा कर रही है। और बात केरल के वायनाड की, जहां भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्य का आज 8वां दिन है। अधिकारियों ने आज सुबह वायनाड के सुचिचप्पारा के सनराइज वैली इलाके में रेस्क्यू अभियान चलाकर शवों की तलाश शुरू की। चूंकि ये इलाका दुर्गम है, इसलिए 2
प्रशिक्षित वन अधिकारी, विशेष अभियान समूह के 4 सदस्य और सेना के 6 जवानों की 12 सदस्य टीम को हवाई मार्ग से भेजा गया। क्षेत्र में पाए गए शवों को लाने के लिए एक हेलीकॉप्टर भी रखा गया। आपको बता दें कि 1300 सैन्यकर्मियों और 1000 से अधिक स्वयंसेवक वाली 40 टीमें आज 8वें दिन भी क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी रखे हैं। हालांकि प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 224 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 189 शवों की शिनाख्त अभी बाकी है। मंगलवार को भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों से 6 शव बरामद किए गए थे। प्राप्त अज्ञात शवों और शतविशत शरीर के हिस्सों को कल रात पुथमाला के कब्रिस्तान में दफनाया गया। इसके साथ ही अधिकारी अधिक शवों को रखने के लिए कब्रगाह के निकट अधिक भूमि अधिग्रहण करने पर भी विचार कर रहे हैं। और वहीं हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटना से आई त्रासदी के बाद रामपुर के समीज गांव में बचाव और तलाशी अभियान 7वें दिन भी जारी है। बचाव दलों ने सुरी डैम के पास डोगरी गांव में एक युवक का शव बरामद किया। बचाव दलों ने अब तक 6 शव बरामद किए हैं, इनमें 3 की शिनाख्त उनके परिजनों ने की है। हादसे के बाद 36 लोग लापता हो गए थे। लापता लोगों की तलाश जारी है। NDRF, पुलिस, सेना, CISF और होमगार्ड के जवान तलाशी अभियान में जुटे हैं। ITBP निरीक्षक नानक चंद शर्मा ने बताया कि बारिश ज़्यादा होने के कारण रास्ता धस गया है, जिस कारण गाड़ियों का निकल पाना मुश्किल है। हमने सुरक्षा कारणों से गाड़ियों को रोक दिया है। सरान बोंडा से हम जो रेस्क्यू टीम लेके आ रहे हैं, मगर जिस पॉइंट में हमने जाना है उस पॉइंट में कम से कम यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर का फासला रह गया है, मगर बीच में जो है बारिश ज्यादा होने के कारण जो है बीच में एक जगह जो है रास्ता जो धस गया, नीचे स्लाइड हो रहा है, तो वहाँ पे जो है गाड़ियाँ निकलना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अभी पीछे गाड़ियाँ रोकी है और हम सेफ जगह में गाड़ियों को ले जा रहे हैं। और आपको बता दें, बागी पुल में बाढ़ में बहे एक परिवार का कुत्ता किसी तरह बच तो गया, लेकिन मालिक के खोने के दर्द वो सहन नहीं कर पा रहा है। कुत्ता उस स्थान पर दलदल में जाकर सो रहा है जहां अपने मालिक का घर हुआ करता था। वह लगातार उफनते खड्डों के चारों ओर मालिक को खोजने में जुटा हुआ है। गोवा और कारवार को जोड़ने वाली काली नदी पर बना एक पुल कल देर रात ढह गया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में पुल टूटने के कारण नदी में एक लॉरी गिर गई, जिसके ड्राइवर को स्थानीय मछुआरों ने बचाया। ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, अब उसकी स्थिति ठीक है। पुल टूटने के कारण SSLC परीक्षा के लिए जाने वाले छात्रों को आज सुबह दिक्कतों का सामना करना पड़ा। परीक्षा केंद्रों तक जाने के लिए छात्रों के लिए जिला कलेक्टर ने अलग व्यवस्था की। घटना के बाद राष्ट्रीय मार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को काली नदी पर बने एक और पुल और उसकी सड़क की जांच करने को कहा गया है। आज सुबह राज्य आपदा मोचन बल यानी SDRF मौके पर पहुंची। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने सीमा संगठन सड़क संगठन यानी BRO के मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान BRO के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने संगठन के द्वारा सीमा पर की जा रही अवसंरचना विकास और क्षमता विकास के पहलू के बारे में जानकारी दी। सेना प्रमुख ने BRO की ओर से राष्ट्र निर्माण में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। और आइए अब बात करते हैं आज राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस की। आज 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है और इसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बधाई भी दी। उन्होंने एक्स पोस्ट कर अपने संदेश में कहा है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बधाई, हम अपने देश भर में हथकरघा की समृद्ध विरासत और जीवंत परंपरा पर बहुत गर्व करते हैं। हम अपने कारीगरों के प्रयासों की भी सराहना करते हैं और वोकल फॉर लोकल होने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। इस दौरान एक्स पोस्ट पर PM मोदी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर एक वीडियो भी साझा किया। हमारे परिधान, हमारा पहनावा,
हमारी पहचान से जुड़ा रहा। सरकार का प्रयास है कि टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी जो परंपराएं हैं वे न सिर्फ जिंदा रहे बल्कि नए अवतार में दुनिया को आकर्षित करें। इसलिए हम इस काम से जुड़े साथियों को और उनकी पढ़ाई, प्रशिक्षण और कमाई पर बल दे रहे हैं। हम बुनकरों और हस्तशिल्पियों के बच्चों की आकांक्षा को उड़ान देना चाहते हैं। 600 से अधिक हैंडलूम क्लस्टर विकसित किए गए हैं। इनमें भी हजारों बुनकरों की ट्रेनिंग दी गई। मुझे इस बात का संतोष है कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जो योजनाएं हमने चलाई है वो सामाजिक न्याय का भी बड़ा माध्यम बन रही है। आज देश भर के गांवों और कस्बों में लाखों लोग हथकरघे के काम से जुड़े हैं। इनमें ज्यादातर लोग दलित, पिछड़े, पसमांदा और आदि समाजी समाज से आते हैं। सरकार के प्रयासों ने न सिर्फ इन्हें बड़ी संख्या में रोजगार दिया है बल्कि इनकी आय भी बढ़ी है। आप सभी को नेशनल हैंडलूम डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने हथकरघा बुनकरों को संत कबीर पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। इसके अलावा उपराष्ट्रपति ने कैटलॉग और कॉफी टेबल बुक परंपरा भारत की हथकरघा परंपराओं में स्थिरता का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह और विदेश एवं कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा भी मौजूद रहे। इसके अलावा समारोह में सांसद, प्रतिष्ठित हस्तियां, डिजाइनर, उद्योग प्रतिनिधि और निर्यातक, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और देश भर से आए 1000 से अधिक बुनकर शामिल हुए। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है और हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। पीएम मोदी ने भी मन की बात में देश के हैंडलूम कारोबार की जमकर तारीफ की थी। पीएम मोदी ने कहा है कि देश का हैंडलूम कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। उन्होंने कहा कि एआई स्टार्टअप कंपनियों की मदद से उद्योग मजबूत बन रहा है। निजी कंपनियां एआई की मदद से हैंडलूम उत्पादन को बढ़ाने में मदद कर रही हैं। इनमें कोशा एआई, हैंडलूम इंडिया, डी जंक, नोवा टेक्स और ब्रह्मपुत्रा फेबल्स जैसी कंपनियां हैंडलूम उत्पादों को लोकप्रिय बनाने में जुटी हैं। कोशा एआई के को फाउंडर विजय कृष्णप्पा और राम की कोरिपा ने उनके स्टार्टअप को सम्मान देने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया। We built the whole solution using a lot of technologies, kind of latest state of the art. It's not a factory model where everything gets made in one place. Or it's not an organized place where people are educated. Those are the biggest challenges we had. So what we did was we built a very simple technology that could be operated. So in a way, I think the technology is getting really closer to the artisan community. For that matter, we are also very grateful for the Honorable PM to get this topic to everybody. Yes, as Vijay pointed out, yeah, many of these things we have, you know, we think that, yeah, we are contributing to the growth of India. Kosha.ai is kind of, you know, working in the social impact sector, primarily with handlooms and handicrafts, towards addressing the challenges faced by the weaver community and the craft community in today's scenario. And we are really humbled and thankful to Honorable Prime Minister and PMO for recognizing our startup. So we are very excited about it. और आइए आपको सीधे ले चलते हैं नई दिल्ली में जारी बिम्स्टेक समिट में, जहां केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल संबोधन दे रहे हैं। If not a full-blown FTA. But let's examine the realistic possibility and move forward on a fast-track basis,
because any negotiation that's despite COVID, we can justify 2 years out of the 6 years for COVID. But 18 to 24, a lot of water has flown down, even the Bay of Bengal, for that matter. So let's re-examine our priorities. Let's relook at the possibilities going forward and see within the charter of the BIMSTEC whether we can work out something which strengthens the architecture of BIMSTEC, which further fosters greater bonhomie and trust amongst the member countries. And I'm sure we'll be able to come up with real strength in the beautiful relationship that these seven countries share with each other. We are all deeply concerned about the evolving situation in Bangladesh, and we wish the people of Bangladesh well. I'm sure we will all collectively convey our best wishes for a smooth transition and a bright future for the people of Bangladesh in the years to come. India has always looked upon itself as a responsible nation, which cares for, which looks after the interest of the global south. Welfare of all the people of the world is a collective responsibility of every nation. Our G20 was largely centered around Vasudhaiva Kutumbakam in Sanskrit, which translates in English to the world is one family. And we do believe that we would like to be a friend to every country in the world, a Vishwabandhu, a friend of every nation in the world. And we do believe that all of us are members of one family, working towards a shared prosperity and a bright future for the people of all countries, more so the member states of BIMSTEC, the seven nations, who collectively make up a very large number of people, almost 22% of the world population, a very large contribution to global trade, a large contribution to GDP. However, I do believe we'll have to introspect on what we do amongst each other within the current trading relationship. When I was having a look at the total international trade that the seven countries enjoy, I realized that the trade between the BIMSTEC countries is still quite small. There's a long way to go before it can achieve its full potential. I think towards that end, regional integration will have to be strengthened, even though there are global uncertainties. I think the relations that all seven countries share with each other make us a ripe candidate to strengthen our supply chains, intersect each other, ensure that trade is on very fair terms amongst our member countries. तो बिम्स्टेक व्यापार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक के जो सदस्य देश हैं, जो 7 सदस्य देश हैं, वहाँ पर अभी भी जिस तरीके से जो व्यापार हो रहा है उसमें और भी अवसर हैं, हमें उनको बढ़ाना होगा, जिसका फ़ायदा हर एक देश को मिल सकेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात अगर की जाए, लगातार आपको हम बता रहे हैं आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है और भारत का हथकरघा उद्योग पुरातन संस्कृति और कारीगरी की भी एक मिसाल भी है। इससे करीब 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से हैशटैग माई प्रोडक्ट माई प्राइड को इस्तेमाल करके इस उद्योग को बढ़ावा देने की बात कही। स्वदेशी की भावना से भरा हुआ देश का हथकरघा उद्योग पुरातन संस्कृति और कारीगरी की मिसाल है, जो दुनिया भर में भारत के कुटीर उद्योग को एक अलग पहचान देता है।
कपड़ा उद्योग देश में रोजगार सृजन के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। इसमें 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिला हुआ है, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण आबादी शामिल है। 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की याद में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। बुनकर समाज का हम सोशल सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखे हुए हैं मोदी सरकार ने। मोदी जी ने उन्हें केवल बीमा से उनको बीमित नहीं किया है, उनके पारिवारिक सुरक्षा को भी देख रहे हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई की भी चिंता कर रहे हैं, उनको डिप्लोमा और डिग्री का मुफ्त ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। और जो बुनकर होते हमारी बहन और भाई, उनके बने हुए कपड़ों को विदेश तक मार्केट दे रहे हैं। ये मोदी ने किया, ये पहले नहीं था। मैं आपको बता सकता हूं कि आने वाले दिन में हैंडलूम बढ़ेगा। 2015 में भारत सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देते हुए कहा कि हथकरघा गरीबी से लड़ने का एक साधन हो सकता है, ठीक उसी तरह जैसे स्वदेशी आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम में एक साधन था। पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में एक नए हैशटैग माई प्रोडक्ट माई प्राइड के इस्तेमाल के लिए भी लोगों को प्रेरित किया। कई निजी कंपनियां भी AI के माध्यम से हैंडलूम उत्पाद और सस्टेनेबल फैशन को बढ़ावा दे रही है। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगा कि बहुत से लोग अपने यहाँ के ऐसे लोकल प्रोडक्ट्स को पॉपुलर बनाने में जुटे हैं। आप भी अपने लोकल प्रोडक्ट्स को #myproductmypride के नाम से सोशल मीडिया पर अपलोड करें। हरियाणा के रोहतक में महिलाएं आत्मनिर्भर भारत की मिसाल पेश कर रही हैं। पीएम ने मन की बात के माध्यम से इन महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप उन्नति के बारे में जानकारी दी और इनकी प्रशंसा भी की। भारत हमेशा से अपने उच्च गुणवत्ता वाले हथकरघा के लिए जाना जाता रहा है और इसके परिणाम स्वरूप इसके उत्पादों का निर्यात 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भी किया जाता था। भारत के विभिन्न हिस्सों की अलग अलग शैलियां हैं, उनमें से कुछ हैं मध्य प्रदेश के बाग, बाटिक, चंदेरी और माहेश्वरी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी ब्रोकेट, जरदोजी, चिकनकारी गुजरात से पटोला, भुजोड़ी, अजरक, बंधेज, तंगालिया, आशावली और कच्छ और काठियावाड़ कढ़ाई और असम और मणिपुर से फेनेक और तोंगम जैसे पारंपरिक डिजाइन। भारतीय हथकरघा में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ तकनीकें हैं बुनाई, कढ़ाई, रंगाई, छपाई आदि। आज भारत के हथकरघा और हस्तशिल्प सहित कपड़ा उत्पाद 100 से अधिक देशों को निर्यात किए जाते हैं, जिनमें से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन भारत के कपड़ा और परिधान निर्यात का लगभग 47% हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो देखिए किस तरीके से इस पारंपरिक कला को लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है और अलग अलग स्तर पर ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी काफी लोकप्रिय है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दरअसल हिमाचल में हिमकेयर योजना को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। निजी अस्पतालों में इसे बंद कर दिया गया है। उधर आयुष्मान योजना को लेकर बीते दिनों ही ईडी की रेड के बाद मामले में राजनीति तेज होने लगी है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी सितंबर 2018 में और इसी से प्रभावित होकर हिमाचल की तत्कालीन जयराम सरकार ने शुरू की थी हिमकेयर योजना जनवरी 2019 में। मकसद था लोगों को महंगे इलाज से आजादी दिलाना, लेकिन अब इसे लेकर देवभूमि में हंगामा बरपा है क्योंकि प्रदेश सरकार ने हिमकेयर को निजी अस्पतालों में बंद करने का फैसला लिया है और दूसरी ओर सरकार के ही कुछ नेताओं और विधायकों पर आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी के आरोप भी लग रहे हैं। अब इस तर्क वितर्क के बीच इसकी वजह से विपक्ष सरकार पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि क्या भाजपा सरकार के दौरान में शुरू की गई योजनाओं को जानबूझकर बंद किया जा रहा है। सवाल ये कि क्या हिमाचल की खराब वित्तीय स्थिति को बेहतर करने के लिए जनहित की योजनाएं बंद की जा रही हैं। सवाल ये कि आयुष्मान भारत योजना के जरिए गड़बड़ी और हिमकेयर योजना पर फैसले की टाइमिंग क्या सिर्फ इत्तेफाक है। वर्तमान सरकार जो हालात पैदा कर रहे हैं इस योजना को बंद करके प्राइवेट सेक्टर में, मैं समझता हूं उसका मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए मॉनिटरिंग करने का।
इसको बेहतर करिए। आप उसमें बैठ करके कोई रास्ता निकाल सकते हैं जिसमें अगर आपको लगता कि गड़बड़ी कुछ लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, किसने रोका है। दरअसल सरकार ने हिमकेयर को लेकर हाल ही में कैबिनेट की एक अहम बैठक में बड़ा फैसला लिया था। फैसला ये कि हिमकेयर का लाभ अब लोगों को निजी अस्पतालों में नहीं दिया जाएगा, साथ ही सरकारी कर्मचारियों को भी इस योजना का फायदा अब नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा हिमकेयर योजना में भारी अनियमितताओं के भी आरोप हैं, जिनमें सरकार ने सुधार की जरूरत का हवाला दिया है। प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया है निजी अस्पतालों में हिमकेयर योजना को बंद करने का, इसकी वजह से अब राजनीति भी तेज हो रही है और भाजपा लगातार सरकार पर हमलावर है। इसकी वजह यह है कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में योजना की शुरुआत हुई थी और केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से काफी हद तक ये प्रेरित थी, लेकिन अब आर्थिक संकट में फंसी हिमाचल सरकार जगह जगह से पैसे बचाने में जुटी है और इसमें एक जो फैसला है वो हिमकेयर योजना को निजी अस्पतालों में बंद करने का भी लिया गया है, जिसको लेकर भाजपा हमलावर है। भाजपा के इन आरोपों और सवालों पर सरकार के मंत्री, सरकार के नेता, सरकार के विधायक और यहां तक कि सरकार के कार्यकर्ता तक सफाई दे रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री तक का ये दावा है कि हिमकेयर को शुरू करने में जल्दबाजी की गई थी और इसीलिए इसमें सुधार की बहुत जरूरत है। हिमकेयर योजना बिना सोचे समझे शुरू की गई योजना थी। हमने ये फैसला किया है कि निजी हॉस्पिटलों के एम्पैनलमेंट को हमने बंद कर दिया है। जितने भी सरकारी क्षेत्र है के हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, उसमें हिमकेयर को जारी रखा गया है। उधर हिमकेयर में भी बदलाव हो रहा है और इधर केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना के जरिए कांगड़ा, ऊना, कुल्लू और मंडी में कई निजी अस्पतालों में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। इन आरोपों में कुछ कांग्रेस के विधायक और कुछ कांग्रेस के नेताओं के नाम भी शामिल हैं, जिसे लेकर बीते दिनों हिमाचल के इन जिलों में रेड भी की गई थी। वहीं भाजपा भी इसे लेकर कांग्रेस पर हमलावर होती नजर आ रही है। आयुष्मान भारत जो स्कीम है उसके तहत की रेड है, इसके अनुशंसा जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की है, उनके हस्ताक्षर हैं कि जांच होनी चाहिए ईडी की। तो बात चाहे हिमकेयर की हो या फिर आयुष्मान योजना की, इनका मकसद है लोगों को सस्ते दामों पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना। लेकिन हिमकेयर को लेकर हिमाचल में जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, उससे लगता है कि आने वाले वक्त में ये मुद्दा और ज्यादा सियासी तूल पकड़ सकता है। धर्मप्रकाश, डीडी न्यूज, शिमला। और आइए बात करते हैं WHO की एक चेतावनी की। दरअसल भारत सहित 16 देशों में हाइपर विजिलेंट क्लेबसिएला निमोनिया, जो कि HVKP नाम से जाना जाता है, एक जानलेवा बैक्टीरिया मिला है, जिसे लेकर WHO ने सभी देशों के लिए चेतावनी जारी की है। ये बैक्टीरिया स्वस्थ लोगों में जानलेवा संक्रमण पैदा कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये जानकारी 127 में से 43 देशों से सूचना एकत्रित करने के बाद दी है। 43 में से 16 देशों में HVKP बैक्टीरिया के मामले के सामने आने की पुष्टि हुई है, जिसमें भारत भी शामिल है। WHO के अनुसार अब तक अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कंबोडिया, हांगकांग, भारत, ईरान, जापान, ओमान, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के अलावा अमेरिका में मामले सामने आए हैं। इनके अलावा 12 देशों में से इस बैक्टीरिया का नया स्ट्रेन ST23 के वन भी सामने आया है। इनमें भारत, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ईरान, जापान, ओमान, फिलीपींस, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड और ब्रिटेन शामिल हैं। भारत में साल 2015 से इस बैक्टीरिया को आइसोलेट यानी पृथक करने का प्रयास किया जा रहा है। पहली बार इस बैक्टीरिया की पहचान 2016 में एक मरीज में हुई थी। तभी से ICMR की एक पूरी टीम नए स्ट्रेन की पहचान के लिए काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं सतर्कता बरतने की बात कही गई है WHO द्वारा इस बैक्टीरिया को लेकर। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। बम बम भोले के जयकारों के बीच श्री पूरा बनर्जी यात्रा का पहला जत्था आज जम्मू से रवाना हुआ। 700 यात्रियों के इस पहले जत्थे को ADGP आनंद जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मौजूद डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने बताया कि यह यात्रा 20 अगस्त तक चलेगी। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनज़र सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा को लेकर मान्यता है कि इस पवित्र स्थल के दर्शन के बिना अमरनाथ जी यात्रा अधूरी है। जो बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा हर साल निकलती है, जो जम्मू से निकल करके बूढ़ा अमरनाथ पहुँच सक जाती है, जहाँ तक अरेंजमेंट का सवाल है, पूरा अरेंजमेंट किया गया है। इनके रहने का, खाने का, पीने का, सुरक्षा के पूर्ण बंदोबस्त किए गए।
आज से शुरू हो रही है और 20 अगस्त तक जो फाइनल रहेगी, और इसमें पूरी जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, बीएपीएफ की तरफ से पूरी तैयारियां की गई है। यात्रा इनकी सुखद होगी, सब कुछ अच्छे तरीके से किया गया। यात्रा अच्छे तरीके जो कि आज अभी जत्था निकला है और लगभग 700 के लगभग यात्री गए हैं, इसी तरीके से डेली यात्रा यहाँ से निकली। सुरक्षा के पूरे इसमें पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जहाँ जहाँ पर यात्रियों के लंगर हैं, यात्रियों के रुकने की व्यवस्था है, वहाँ पर भी सुरक्षा के एक्स्ट्रा इंतजाम किए गए हैं। और भोले बाबा के जयकारों के बीच श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था आज रवाना हुआ। यह जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रीनगर के पंथा चौक आधार शिविर से बालटाल और पहलगाम मार्गों के लिए रवाना हुआ। भारत का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति का आज दूसरा दिन है। इस अभ्यास में 30 देश हिस्सा ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, अमेरिका और सिंगापुर सहित 10 देश अपने लड़ाकू विमानों के साथ अभ्यास में शामिल होंगे। पहले दिन कोयम्बटूर में सलूर वायुसेना स्टेशन पर जर्मन वायुसेना A400M विमान ने तरंग शक्ति में भाग लिया। आपको बता दें कि इस अभ्यास में भारत ने स्वदेशी लड़ाकू विमानों और उपकरणों का प्रदर्शन करेगा। भारत के तेजस, राफेल, मिराज 2000, चकवार, मेघ 29 विमान और अन्य लड़ाकू विमान अभ्यास में भाग लेंगे। अभ्यास के दौरान उड़ान और ज़मीनी प्रशिक्षण, रक्षा प्रदर्शनी और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। भाग लेने वाले देशों के रक्षा कर्मी भारत की तकनीकी कंपनियों का भी दौरा करेंगे। माफिया मुख्तार अंसारी, सिवान के मोहम्मद शाहबुद्दीन और मुन्ना बजरंगी गिरोह के शार्प शूटर रह चुके मऊ के पंकज यादव को बुधवार सुबह एसटीएफ और फरहा पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया, जबकि उसका साथी भागने में कामयाब रहा। पंकज 20 हत्या के मामले में वांछित चल रहा था, उस पर 1,00,000 रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस ने उसके पास से एक लाइसेंसी और एक विदेशी पिस्तौल बरामद की है। आज सुबह 4 बजे पंकज यादव अपने साथी के साथ कहीं जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ आगरा और फरहे पुलिस ने आगरा दिल्ली राजमार्ग पर ब्रिज की रसोई के आगे रोशुगढ़ी के पास घेराबंदी कर ली। पुलिस के मुताबिक 1 घंटे चली मुठभेड़ में पंकज ने 10 राउंड गोलियाँ चलाईं। मुठभेड़ के दौरान उसका साथी भागने में कामयाब रहा, जबकि फायरिंग में गोली लगने से पंकज यादव वहीं ढेर हो गया। और आइए बात करते हैं नवीकरणीय ऊर्जा की स्थिति को लेकर। भारत की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में पिछले एक दशक में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 10 वर्षों में 165% बढ़ी है। 2014 में देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 76.38 गीगावाट थी, जो अब बढ़कर 203.1 गीगावाट हो चुकी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों पर राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सौर और पवन ऊर्जा में महत्वपूर्ण प्रगति के साथ भारत अब नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में विश्व स्तर पर 4थे स्थान पर है। वहीं पवन ऊर्जा क्षमता में भारत 4थे और सौर PV क्षमता में 5वें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि लगभग 30 गुना की वृद्धि दर्ज करते हुए देश की सौर ऊर्जा क्षमता मार्च 2014 में 2.82 गीगावाट से बढ़कर जून 2024 तक 85.47 गीगावाट हो गई। केंद्रीय मंत्री जोशी ने इस बात पर जोर दिया कि नवीकरणीय ऊर्जा अब भारत के लिए एक विकल्प नहीं बल्कि देश की सतत वृद्धि और विकास के लिए एक आवश्यकता है। इसके साथ ही आपको बता दें, पिछले कुछ वर्षों में भारत के सीफूड निर्यात में वृद्धि देखी जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में इसके निर्यात में 30.81% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत वैश्विक सी फूड बाजार में एक प्रमुख निर्यातक के रूप में उभरा है। 2019 और 20 के दौरान देश में कुल 141.64 लाख टन सी फूड का उत्पादन हुआ और 13.2 लाख टन का निर्यात किया गया। 2022-23 की बात करें तो 175.45 लाख टन का उत्पादन हुआ और इस दौरान 17.54 लाख टन सी फूड का निर्यात किया गया। 2023-24 की अगर बात की जाए तो उत्पादन 182.70 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि निर्यात 18.19 लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद है। 2019 और 20 में सी फूड के निर्यात से करीब 46,663 करोड़ की आय हुई। 2022-23 में ये आय बढ़कर 63,969 करोड़ हो गई।
2023-24 में 61,043 करोड़ से अधिक की निर्यात का अनुमान है। वर्तमान में भारत 132 देशों को सी फूड उत्पादों का निर्यात करता है। केंद्र सरकार द्वारा संशोधित ब्याज सहायता योजना जारी रखने के निर्णय को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से फसल ऋण, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन सहित समृद्ध गतिविधियों के लिए कम ब्याज दर पर अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने को कहा है। किसानों को 7% की ब्याज दर पर 3 लाख रुपये की सीमित राशि दी जाएगी। रिजर्व बैंक ने मंगलवार को जारी अधिसूचना में कहा कि ऋण प्रदान करने वाले संस्थाओं को 2024 और 25 के लिए ब्याज में 1.5% छूट मिलेगी। समय पर ऋण चुकता करने वाले किसानों को ब्याज में 3% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। शीर्ष बैंक ने कहा कि अल्पावधि ऋण लेने के लिए आधार नंबर से नाम जोड़ना अनिवार्य होगा। संकटपूर्ण स्थिति में किसानों को अपनी उपज बेचने से रोकने और गोदामों में उपज भंडारण प्रोत्साहित करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान को फसल की कटाई के बाद 6 महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए ब्याज में छूट का लाभ भी मिलेगा। और बात करते हैं देश में बढ़ते निवेश को लेकर। दरअसल देश में पिछले एक दशक में विकास को गति देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हो या फिर बेहतर कनेक्टिविटी, देश अब विकसित राष्ट्र बनने की राह पर अग्रसर है। ऐसे में विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था पर निवेशकों का भरोसा भी लगातार बढ़ रहा है। सरकार की नीतियों के प्रभाव से विदेशी निवेश को भी लगातार बढ़ावा मिला है। देश में विकास को गति देने के लिए सरकार की नीतियां काफी कारगर रही हैं। इसी कड़ी में विदेशी निवेश को भी बढ़ावा मिला है। सरकार ने देश में निवेश को बढ़ावा देने और अधिक औद्योगिक गतिविधियों को आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT और अन्य विभागों के माध्यम से देश के समग्र औद्योगिक विकास के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम प्रदान कर रही है, जिसके लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इनमें प्रमुख हैं मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, PM गति शक्ति योजना, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय एकल विंडो सिस्टम पोर्टल। इनके जरिए न सिर्फ औद्योगिक गतिविधियों को सुव्यवस्थित किया गया है, बल्कि देश में व्यापार करने में आसानी को भी बढ़ावा मिला है। इसके साथ ही राज्यों को प्राथमिकता देते हुए आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी राज्यों में भी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। साथ ही सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न उपाय भी लागू किए हैं। सरकार ने एक निवेशक अनुकूल नीति लागू की है। भारत ने FDI सीमा बढ़ाकर नियामक बाधाओं को दूर करके बुनियादी ढांचे का विकास करके और कारोबारी माहौल में सुधार करके अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक निवेशकों के लिए खोलना जारी रखा है, जिसका ही नतीजा है कि लगातार विदेशी निवेश में भी इजाफा देखने को मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो लगातार निवेश बढ़ रहा है, जिसका सीधा फायदा अर्थव्यवस्था को मिल रहा है और देश को भी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।